अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। मैं हूं सबीर अहमद और आप देख रहे हैं मेडिकल साइंस पीएस। मेडिसिन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे मलेरियल डिजीज। मलेरियल डिजीज क्या होती है, किन कारणों से होती है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी बंदे को मलेरिया हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिनसे हम पहचाने कि भाई इस बंदे को मलेरिया ही हुआ है, और इसका डायग्नोसिस टेस्ट कैसे होता है और उसका नाम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आप जान सकें मलेरियल डिजीज़ क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मलेरियल डिजीज़ का ओवरव्यू, यानी मलेरियल डिजीज़ क्या होती है। मलेरियल डिजीज एक प्रोटोजोअल डिजीज होती है और ये इसको प्रोटोजोआ कॉज करता है। इज ए प्रोटोजोअल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ये एक प्रोटोजोअल डिजीज होती है और इसको प्रोटोजोआ कॉज करता है। और जो मेन सिम्टम्स होते हैं इसके, जो सिम्टम्स जिससे हम पहचानते हैं कि इस बंदे को मलेरिया ही हुआ है, उसका जो सिम्टम्स है, इचिंग, ब्लिस्टर लाइक रस यानी छाले जैसे दाग धब्बे से पड़ जाएंगे, ब्लिस्टर लाइक रस लाइन सी पड़ जाएंगी शरीर के ऊपर और इचिंग हो जाएगी एंड फीवर होगा। ये सारी चीज़ें मलेरियल डिजीज के अंदर होती हैं। सो इस डिजीज को मॉस्किटो कोज करता है और अपने प्रोटोजोआ को पेशेंट के लिए, होस्ट के लिए रिलीज कर देता है। और जो प्रोटोजोआ का जो नाम होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम जो मॉस्किटो रिलीज करता है, ये एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है और ये मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है, यानी प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवल। जब सबसे पहले कोई भी मॉस्किटो किसी भी होस्ट को बाइट करता है तो सबसे पहले वो अपना प्लाज्मोडियम रिलीज करता है, और जो फर्स्ट स्टेज होती है मलेरिया की वो प्लाज्मोडियम मलेरिया होती है, एंड सेकेंड प्लाज्मोडियम ओवल, एंड थर्ड इसके बाद जो होती है वो प्लाज्मोडियम विवेक्स होती है। और जब किसी भी बंदे को मलेरिया होता है तो सबसे जो लास्ट की स्टेज होती है, और जब हम पाते हैं कि इस बंदे को मलेरिया पूरी तरह से हो चुका है, तो उस स्टेज को प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम कहते हैं। यानी जो सबसे अंतिम और परिपक्व स्टेज होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम होती है। और इसी तरह से जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो वहाँ पर भी जो हमारे पास किट होती है और जिससे हम इस टेस्ट को करते हैं, यानी आरडीटी, जो आजकल जो टेस्ट हो रहे हैं वो आरडीटी के तहत ही हो रहे हैं और आरडीटी से ही ज़्यादातर टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं, क्योंकि ये रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं और इनसे हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। और जो पुराने चीज़ें हैं उनसे जो टेस्ट होता है वो काफी टाइम में होता है और उनसे तो लगभग 24 आवर भी लग जाता है, तो वो टाइम को ज्यादा लेते हैं, और जो आरडीटी होते हैं वो टाइम को थोड़ा कम लेते हैं। इसलिए आरडीटी का इस्तेमाल मॉडर्न टाइम में ज्यादा किया जाता है। और जो इसके अंदर किट होती है उसके ऊपर भी मेंशन हुआ रहता है कि पीवी हुआ है या पीएफ हुआ है या फिर सी पर है। इसके ऊपर हम बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे कि किस तरह से मलेरिया का टेस्ट किया जाता है। अगर आपको मलेरिया नहीं है तो वहाँ पर एक डंडी आ जाएगी, वो सी के ऊपर होगी। अगर आपको पीवी हुआ है तो, अगर मान लो आपको पीवी हुआ है तो वहाँ पर भी एक डंडी का निशान आ जाएगा। अगर आपको पीएफ हुआ है तो वहाँ पर भी डंडी का निशान होगा। डायग्नोसिस करने के लिए केमिकल और ब्लड को लेना पड़ता है, तब जाकर डायग्नोसिस होता है। सो इसके बाद हम जान लेते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। मलेरिया मुख्य रूप से चार टाइप का होता है। मलेरिया टाइप्स यानी के जब फर्स्ट स्टेज होगी मलेरिया की, जब भी कोई मॉस्किटो बाइट करेगा किसी होस्ट को, तो सबसे पहली जो स्टेज होगी वो पी मलेरिया होगी, यानी के प्लाज्मोडियम मलेरिया। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो होगी वो पी ओवल होगी, यानी के वो अपने अंडाणुओं को विकसित कर देगा। उसके बाद नंबर 3 पी विवेक्स,
यानी प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये एक तरह से पहली स्टेज है जहाँ पर जो डायग्नोसिस होती है वहाँ पर मेंशन हुआ रहता है, और जब पी विवेक्स हो जाता है तो ये समझो कि मलेरिया की शुरुआत हो चुकी है। एंड नंबर 4 पी फैल्सिफोरम। सो इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, यानी मलेरियल लाइफ साइकिल कैसे होती है। गाइस, मलेरियल लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसको कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है और आपके लिए 5 या 10 नंबर दे दिए जाते हैं। तो अगर आप एक फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बिल्कुल भी मिस ना करना और इसे अच्छी तरह समझना किस तरह से एसेक्सुअल साइकिल होती है और किस तरह से सेक्सुअल साइकिल होती है मॉस्किटो के अंदर एंड ह्यूमन के अंदर, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। लाइफ साइकिल हम डॉट डॉट लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, एक इस तरह से, और यहां पर मेंशन कर देते हैं मॉस्किटो यानी मच्छर को। जो मॉस्किटो होगा वो यहां पर होगा एंड मैन जो होगा वो यहां पर होगा। मॉस्किटो मैन को बाइट करेगा यानी मॉस्किटो बाइट, जो सबसे पहली स्टेज है वो ये होगी। उसके बाद जाइगोट बनेगा नंबर 2 पे एंड नंबर 3 पे ओसाइट, यानी के अंडाणु का फॉर्मेशन होने लगेगा। उसके बाद नंबर 4 यहाँ पर जो मैन है वो इस तरह से यहाँ पर हमने डिफाइन कर रखा है मैन को इस तरह, मैन को इस तरफ एंड मॉस्किटो को इस तरफ। जब कोई भी मैन इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उसको अगर कोई मच्छर बाइट करेगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मॉस्किटो बाइट नंबर 4। उसके बाद स्पेरोजोइट्स, यानी के जो मच्छर उसको बाइट करेगा इन्फेक्टेड मैन को, वो किसी दूसरे पर्सन को स्पोरोजोइट्स अपने जो उसके अंदर स्पोरोजोइट्स हुए हैं उनको वो दूसरे बंदे के लिए ट्रांसफर करेगा। उसके बाद मीरोजोइट्स की फॉर्मेशन होगी, ये नंबर 6 स्टेज होगी। उसके बाद गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, मेल एंड फीमेल, और उसके बाद फिर से मॉस्किटो बाइट हो जाएगी। यानी कि इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। मॉस्किटो बाइट करेगा मैन को, उसके बाद जायगोट बनेगा, ओवोसाइट बनेगा, फिर उसके बाद फिर से मॉस्किटो बाइट करेगा किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, स्पोरोजोइट्स अगले पर्सन को पहुंचाएगा, उसके बाद मेरोजोइट्स एंड गैमेट्स मेल एंड फीमेल। जो ये साइकिल होगी यहाँ पर वो एसेक्सुअल साइकिल होगी, और जो मॉस्किटो के अंदर साइकिल होगी वो सेक्सुअल साइकिल होगी। यानी के मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल फॉर्म हो जाएगी एंड मैन के अंदर एसेक्सुअल साइकिल फॉर्म हो जाएगी। तो ये एक तरह से मॉस्किटो जो होते हैं वो एसेक्सुअल साइकिल के द्वारा ही पैदा होते हैं, एंड जो वुमेन्स के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं वो सेक्सुअल साइकिल के अंदर ही पैदा होते हैं। तो इनका जो सिस्टम है वो उल्टा हो जाएगा, इसीलिए ये डिजीज कॉज हो जाएगी। सो ये थी इसकी लाइफ साइकिल, और इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी एग्ज़ाम के अंदर इसको लिख कर आते हैं तो पक्का आपके लिए इसमें से 5 या 10 नंबर मिल सकते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल है, यानी कि 2 लाइन खींची डॉट डॉट करके, मैन मॉस्किटो, ये सेक्सुअल साइकिल, ये एसेक्सुअल साइकिल, उसके बाद मॉस्किटो बाइट, जायगोट, ओवोसाइट, फिर मॉस्किटो बाइट, फिर स्पोरोजोइट्स, फिर मेरोजोइट्स एंड गैमेट्स, मेल एंड फीमेल। पर हम जान लेते हैं कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो प्रोटोजोआ होता है, और उसका नाम प्लाज्मोडियम होता है। इसको मॉस्किटो रिलीज करता है, और इसके 4 पार्ट्स होते हैं, यानी 4 स्टेज होती हैं। जब कोई प्लाज्मोडियम किसी मैन के अंदर या किसी होस्ट के अंदर रिलीज हो जाता है वो तो 4 स्टेजों के अंदर पनपता है, यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम। और इसको डायग्नोसिस भी
इसी तरीके से किया जाता है, यानी जो किट आपके पास होती है उसके ऊपर मेंशन हुआ रहता है पीवी, पीएफ या फिर सी यानी न्यूट्रल, जहां पर हम नेगेटिव मानते हैं। सो इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो ईचिंग होती है, शरीर में ईचिंग होने लग जाती है, फीवर हो जाता है एंड उस बंदे को रस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, रस लाइक स्किन, रस लाइक यानी जो स्किन है वो रस की तरह दिखने लगेगी। ये थे इसके सिम्टम्स। और जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम, पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम। इसके ट्रीटमेंट करने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, नंबर वन सेल्फ केयर एंड नंबर टू मेडिसिन। सेल्फ केयर के अंदर ओटमिल बाथ जो होती है, जहाँ पर एक नहाने का टब होता है और वहाँ पर ही साबुन वगैरह पहले से ही उसके अंदर झाग से बन जाते हैं, उसके अंदर हमको नहाना है। और अगर आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो आपको किसी भी जो आपकी एलर्जी की जो साबुन होती है और जो बहुत सारी चीज़ें और भी होती है उनसे आपको नहाना है। दूसरा, आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे सेल्फ केयर के अंदर। नंबर टू जो मेडिसिन होती है, मेडिसिंस के अंदर जो मेडिसिन मलेरिया के अंदर चलती हैं वो एनालजेसिक होती हैं और एंटी हिस्टामिन होती हैं। यानी एनालजेसिक के अंदर पेन किलर, एंटी हिस्टामिन्स जो आपकी एलर्जी को दूर करें, यानी कि जो आपके अंदर मॉस्किटो ने एलर्जी प्रोड्यूस करी है उसको एंटी हिस्टामिन्स रिलीज करते हैं। सो ये था इसका ट्रीटमेंट। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।